सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और पास वाला घंटा को बजाएं ताकि आपको नया अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप कैसे एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके को आप अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको ये करना है। तो करने के लिए आपको फास्ट क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एनीडेस्क। आपको ये प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोन में ऑलरेडी डाल के रखा है ये एप्लीकेशन, तो दूसरा फ़ोन में जो है मैं डाल रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो एनीडेस्क रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है। तो वो डाउनलोड होने के बाद करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद पूछेगा एक प्लगइन अवेलेबल, दूसरा एक एप्लीकेशन उसके साथ में जो रिमोट कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड करेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको दोनों फ़ोन में भी डालना है, ये जो एड कंट्रोल दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है। तो क्योंकि आपका एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन को कंट्रोल करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं दूसरा फ़ोन में जो है मैं ऑलरेडी डाल के रखा हूँ। मैं इस फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ ये एनीडेस्क एप्लीकेशन और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये एक फ़ोन में तो डाउनलोड कर लिया, दूसरा फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको दूसरा फ़ोन का नहीं दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ओपन करता हूँ। देखिए करने के बाद ऊपर देखिए एक एड्रेस लिखा रहा है, एड्रेस। ये एड्रेस जो ये मेन है, ये एड्रेस की मदद से हम एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन में एक्सेस करेंगे। तो मेरा इस फ़ोन में भी मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको करने के बाद आप देख सकते हैं प्लगइन एक्टिवेशन जो है इधर पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक्सेसिबिलिटी में इसका जो सेटिंग है इसको ऑन कर देना है। जैसे देख सकते हैं एनीडेस्क कंट्रोल सर्विस ADA1, तो इसको आपको एक्टिवेट करना है, नहीं तो आपका ये कंट्रोल सिस्टम जो है काम नहीं करेगा फ़ोन में। तो अभी जो है हमको एड्रेस डाल के कनेक्ट करना है दोनों फ़ोन को। तो आप देख सकते हैं इधर पे दोनों फ़ोन में जो है एड्रेस है, आप जिस फ़ोन से एक्सेस करना चाहते हो उस फ़ोन में एड्रेस डालें। जैसे मैं देखिए मैं दूसरा फ़ोन का एड्रेस जो है इसमें डाल रहा हूँ, ये लिखा है इधर रिमोट एड्रेस। तो ये एड्रेस डालने के बाद जो है हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं इधर पे ट्यूटोरियल्स जो है शो हो रहा है क्या क्या यूज़ हो सकता है। और कनेक्टिंग के बाद इधर देखिए दूसरे फ़ोन में पॉप अप हो रहा है, इधर पे आपको एक्सेप्ट जो है एक्सेप्ट में आपको क्लिक करना है, आई एम एग्री करके, क्योंकि आपको इधर पूछ रहा है जो फ़ोन कनेक्ट कर रहा है वो सेफ है या नहीं है। तो इधर पे देखिए कनेक्टिंग शुरू हो गया और अभी इधर मांग रहा है कि हम स्क्रीन शेयर कर सकते क्या। तो इधर पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है अभी फ़िलहाल कनेक्टेड है। और इधर पे देखिए टोटल जो शो हो रहा है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए हमारा दोनों फ़ोन जो है, देखिए हम इस फ़ोन में जो भी करेंगे दूसरा फ़ोन में जो है इधर पे चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा दोनों फ़ोन जो है कनेक्ट हो गया। तो जैसे मैं WhatsApp ओपन किया, देख सकते हैं आप दोनों फ़ोन में जो है ये WhatsApp शो हो रहा है। तो आप ऐसे ही इस एप्लीकेशन की यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरा वीडियो देखने।